हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है लाइट वीड्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे अमेजिंग और ऑसम कंटेंट। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे और आपकी हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आज बहुत दिनों के बाद, लगभग एक महीने के बाद यार मैं वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम वर्सेस सीरीज के नई एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यार बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। तो इसका टॉपिक का नाम है हल्क वर्सेस वेनम। तो इसके ऊपर एक कॉमिक्स भी लिखी गई है, पर मैं उसके ऊपर से नहीं बताऊँगा। मैं यार मेरी थियोरीज के ऊपर से थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि इन दोनों में अगर डैश बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे वीडियो पे बिना किसी जो है देरी के। तो दोस्तों, आ गए हम हमारे वीडियो पे और आज हम बात करने वाले कि जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हल्क वर्सेस जो है वेनम के बारे में। ये बहुत सारे रिकमेंडेड टॉपिक में से एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और हाँ, अभी अभी जो है हमने वेनम की जो है एक सोलो मूवी देखी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। जैसे वेनम का एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है इस जो है मूवी में, स्पाइडरमैन 3 के मुकाबले काफ़ी अच्छा मेरे को इसमें एनिमेशन दिखा है। पर इसके ओरिजिन में मेरे को थोड़ी सी इतना मज़ा नहीं आया, तो इसमें हमको थोड़ी सी वेनम की पावर्स वावर्स के बारे में सब कुछ थोड़ा सा पता चल गया, तो वैसे मज़ा आएगा, थोड़ा सा हम जान पाएंगे वेनम के बारे में। और आगे भी हमें एमसीयू में शायद वेनम देखने मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए। और हल्क ने को तो हमने देखा ही है जो है एमसीयू में। तो सबसे पहले हम इन दोनों की जो है पावर्स के बारे में जो है जान लेते, कुछ साफ साफ हो जाए हमारा। वेनम की बात करें तो वेनम काफ़ी कूल कैरेक्टर है मार्वल का। और उसके ओरिजिन की हम थोड़ी सी बात करें तो वेनम एक एलियन है, और हाँ वो एक अलग सी जो है प्लैनेट से आया है, और उसको सिम्बियोट कहा जाता है। वेनम जो इसकी स्पीसी से उसको सिम्बियोट कहते हैं, और बहुत सारे सिम्बियोट्स है। उसको जीने के लिए एक सांस लेता हुआ एक जिंदा जो है जीव चाहिए, ताकि वो अपना काम कर सकते हैं। और उसकी होस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर जो है वेनम हावी हो जाता है, यानी कि एक होस्ट जो उसको उसके शरीर में जो है वेनम जो है अपना कब्जा जमा सकता है और अपने काम यानी कि अपनी भूख मिटा सकता है, तो उसको होस्ट कहते हैं। और हाँ, वेनम की एक और भी काबिलियत है जो आपने देखी होगी एनिमेटेड सीरीज में, जहाँ पे स्पाइडरमैन का जो है दोस्त है स्कूल का फ्लैश, वो वेनम के ऊपर कंट्रोल पा लेता है और हाँ बन जाता है एजेंट वेनम, और आप काफ़ी अच्छे काम करता है शील्ड में मिलकर, उनका साथ भी देता है। और वेनम उसमें हमको दिखाया गया है कि वेनम जो है कोई भी वेपन को भी जो है अपने साथ जोड़ सकता है और उसको अपग्रेड कर सकता है, तो काफ़ी अच्छी काबिलियत है वेनम की। और वेनम की बात करें तो वेनम के पास है सेफ शिफ्टिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, और तो और वो सेफ शिफ्टिंग की पावर से कोई भी जाए यानी कि हथियार बना सकता है, जैसे कि हमें वेनम मूवी में आपको दिखाई दिया होगा। तो काफ़ी ये अच्छी मेरे को ये सब पावर लग रही है। और हाँ, वेनम की एक और खासियत है कि वेनम जिसी के भी जो है यानी कि उसका जो होस्ट होता है उसकी पावर को यार कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि हमें स्पाइडरमैन 3 में दिखाई दिया क्या कि स्पाइडरमैन के जो जब वेनम जो है उस पर कब्जा पा लेता है वेनम, तो स्पाइडरमैन की पावर पहले कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर वेनम की एक जो है डिसएडवांटेज भी है कि वो अपने काम करवा के ही मानता है, यानी कि आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं देता है, सिर्फ वेनम ही जो है राज करता है, इसीलिए उसका डायलॉग है वी आर वेनम। तो चलिए हम अब बात करते हैं हमारे जो है हल्क के बारे में। वैसे इसके बारे में तो सबको पता ही है, पर चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हल्क की बात करें तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, और गजब का जो है यार उसके पास हीलिंग फैक्टर है। मेरे को वो हीलिंग फैक्टर यार उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी घाव है जो चुटकियों में जो उसका भर जाता है। और हल्क की एक काबिलियत है कि जिसका जितना गुस्सा बढ़ता है उतना यार हल्क ताकत पर बनता जाता है, और तो और हल्क के गुस्से का कोई भी अंत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं कि यार इन दोनों में अगर डेथ बैटल यानी कि फाइट होती है कभी भी तो कौन जीतेगा यार। तो इन दोनों के यार पावर्स लगभग सिमिलर है और काफ़ी ज़्यादा दोनों ताकत पर है। पर यहाँ पे यार मैं एक और पॉसिबिलिटी निकालना चाहूँगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, जबकि जब हल्क जो है वो प्रोफेसर हल्क यानी कि ब्रूस बैनर भी अब हल्क के साथ मिलकर लड़ रहा है, तब कुछ अलग ही जो है क्रिएट सीन होने वाला है। और यार ये वेनम के जो होस्ट पे उसके ऊपर भी यार वेनम की ताकत जो है डिपेंड होती है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल वेनम यानी कि एडी ब्रोक की हम बात करेंगे, और हल्क के हम जो है पॉसिबिलिटीज़ दोनों ही चेक करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि अगर इन दोनों में कौन जीतेगा फाइट होगी। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेनम जो है उसको आग और वाइब्रेशन से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, वाइब्रेशन से। तो यही आपने जो है वेनम मूवी और जो है स्पाइडरमैन 3 में देखा ही होगा कि वाइब्रेशन और आग से उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, वो पूरी उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है और अपने होश को वो लगभग छोड़ देता है, यहाँ तक कि वो कमज़ोर हो जाता है।
तो दोस्तों सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं, पहली पॉसिबिलिटी को चेक करने से पहले कि यहाँ पे वेनम जो है वो हल्क की बॉडी पे हावी नहीं होगा, यानी कि उसको होस्ट नहीं बनाएगा, तब तो यार फाइट ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि वेनम का अगर हल्क के बॉडी में जो होस्ट बन जाए तो वो होगा या नहीं फाइट, यानी कि शुरू नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे दोनों अलग अलग है, यानी कि हल्क है एडी ब्रोक में और ब्रूस बैनर यानी कि वो हल्क ही है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि हल्क अगर जो है प्रोफेसर हल्क हो, यानी कि हल्क और ब्रूस बैनर, हल्क की पावर और ब्रूस बैनर का दिमाग अगर एक साथ यानी कि मिल जाए, यहाँ पे 100% में आपको कह सकता हूँ कि आसानी से जो है हल्क जो है वेनम को धूल चटा सकता है, क्योंकि वेनम की कमजोरी और आग और वाइब्रेशन है। अगर प्रोफेसर जो है हल्क बन जाता है तो उसके पास इतना दिमाग है कि वो आसानी से यार वाइब्रेशन और ये इसकी कमजोरी को जो है आसानी से यूज़ कर सकता है वेनम को हराने के लिए। तो पहली पॉसिबिलिटी है प्रोफेसर हल्क की, जहाँ पे आसानी से जो है हल्क जो है जीत सकता है। तो दोस्तों अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल हल्क की, यानी कि हल्क प्रोफेसर हल्क नहीं बनाए, तो अब ओरिजिनल फाइट होने वाली है वेनम वर्सेस हल्क की। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका है कि वेनम जो है होस्ट अपना पहले से ही जो है लेकर आया है, यानी कि वो हल्क पे हावी नहीं होगा, हल्क को जो है होस्ट नहीं बनाएगा। तो जो है अब हम बात करते हैं इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। तो वेनम के पास बहुत सारी पावर्स है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसके पास सेफ शिफ्टिंग और यार वो कभी भी जो है अपना जो है रूप बदल सकता है, उसके पास वो भी पावर है, और किसी भी जो है वेपन को अटैच करके उसको अपग्रेड करके चला सकता है। तो उसकी सारी पावर्स के साथ वो कोई भी हथियार यानी बना सकता है सिर्फ अपने हाथों से, तो वो एक उसके पास बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि वो कोई भी हथियार बना सकता है। पर हमारा हल्क यहाँ पे कभी भी थकता नहीं है, और तो और उसके पास गजब का यार हीलिंग फैक्टर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इन दोनों की यार इनकी फाइट लगा यानी अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे यार उसको मैं यार विनर घोषित कर दूंगा हमारी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि कौन जीतेगा अगर इन दोनों की यार फाइट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा यार मुझको पता है कि यार खतरनाक फाइट होगी अगर इन दोनों की होती है। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अभी कभी की लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। गुड बाय।